उदाहरण तीन का पहला, संख्याओं की श्रृंखलाओं में से कौन कौन सी समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी के पहले दो पद लिखिए। उदाहरण तीन का पहले में जो श्रेणी दी हुई है 9, 27, 81 अनंत तक है ये। हल, यहाँ इस श्रेणी में A1 जो है वह 9 है क्योंकि ये पहला पद है, A2 दूसरा पद 27, उसी तरह से A3 तीसरा पद 81 है। अब हम यहाँ पे A2 और A1 का अंतर ज्ञात करेंगे। दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे और दूसरा पद है हमारा A2 27 ऋण 9 बराबर 18। उसी तरह से हम A3 ऋण A2 का मान का अंतर ज्ञात करेंगे 81। A3 हमारा 81 है, ऋण A2 हमारा 27 है। 81 में से 27 को हम जब घटाते हैं तो हमें 54 प्राप्त होता है। चूंकि A3 ऋण A2 का मान बराबर नहीं है, ये 54 आ रहा है और ये 18 आ रहा है, A3 ऋण A2 54 आ रहा है और A2 ऋण A1 18 आ रहा है, तो A3 ऋण A2 का मान बराबर नहीं है A2 ऋण A1 से, इसीलिए दी गई संख्याओं की श्रृंखला एक समांतर श्रेणी नहीं है, यह इस उदाहरण का हल है। उदाहरण तीन का दूसरा, हमारे पास श्रेणी दी है 4 4 3 4 2 3 4 3 3 जो कि अनंत तक है। यहाँ पे हमारे पास पहला पद A1 बराबर 4 है, दूसरा पद A2 बराबर 4 3 A3 बराबर 4 2 3 ये A1 है, ये A2 है 4 3 और A3 है 4 2 3। उसी तरह से A4 का मान है चौथा पद जो है 4 3 है। यहाँ अब हम पहले दो पदों का अंतर ज्ञात करेंगे A2 ऋण A1। दूसरा पद हमारे पास है 4 3 ऋण A1 का मान हमारे पास 4 है, धन 4 और ऋण 4 कट जाएगा और हमें उत्तर प्राप्त होगा वर्गमूल 3। उसी तरह से हम A3 और A2 का अंतर ज्ञात करेंगे। A3 का मान हमारे पास है 4 2 3 ऋण, यहाँ ऋण है तो ऋण हो गया, और A2 का मान हमारे पास कोष्टक में हम लिख लेंगे 4 3। जब हम कोष्टक को खोलेंगे तो 4 ऋण 4 कट जाएगा और 2 ऋण 3 बराबर हमें उत्तर प्राप्त होगा 3। उसी तरह से हम A4 A4 ऋण A3 का मान ज्ञात करेंगे। A4 का मान जो है 4 3 ऋण A3 का जो मान है हमने निकाला था, इसको कोष्टक में हम लिख लेंगे 4 2 3। और अब जब हम कोष्टक को खोलेंगे तो यहाँ 4 और ऋण 4 कट जाएगा, 0 प्राप्त होगा, और 3 ऋण 2 को घटाने पर हमें प्राप्त होगा 3। चूँकि प्रत्येक बार AK+1 ऋण AK समान
जहाँ के जो है 1, 2, 3 अनंत तक है, समान ही है। इसीलिए दी गई संख्याओं की श्रृंखला एक समांतर श्रेणी है जिसका सर्वांतर डी जो है डी बराबर वर्गमूल 3 है, क्योंकि हमने सभी ए टू ऋण ए में ए थ्री ऋण ए टू और ए दो ऋण ए एक ए तीन ऋण ए दो और ए चार ऋण ए तीन का सभी का मान जो है वर्गमूल 3 निकाला है। तो इस तरह से यहाँ पे सर्वांतर डी बराबर वर्गमूल 3 है। इस श्रेणी के अगले दो जो पद है, पहला पद होगा 4 धन 3 वर्गमूल 3 धन वर्गमूल 3 बराबर 4 धन 4 वर्गमूल 3 है, और इसका अगला जो पद है वो हो जाएगा, हम फिर से लेंगे 4 धन 4 वर्गमूल 3 में वर्गमूल 3 और हम जोड़ेंगे, इसका योग करेंगे तो हमें 4 धन 4 वर्गमूल 3 धन वर्गमूल 3 5 वर्गमूल 3 प्राप्त होता है। तो इस दिए गए श्रेणी के अगले दो पद जो है वो होंगे 4 धन 4 वर्गमूल 3 और 4 धन 5 वर्गमूल 3। यह इस उदाहरण का हल है। उदाहरण 3 का तीसरा, 1 श्रेणी है 1 ऋण 1 ऋण 3 ऋण 5 जो कि अनंतक है। यहाँ पे हमको ज्ञात करना है कि ये श्रृंखला समांतर श्रेणी है या नहीं। तो इसमें A1 जो है पहला पद है 1, उसी तरह से A2 जो है दूसरा पद है ऋण 1, तीसरा पद A3 बराबर ऋण 3 और A4 बराबर ऋण 5। यहाँ पे हम प्रथम दो पदों का अंतर A2 ऋण A1 को ज्ञात करेंगे। तो A2 हमारे पास है ऋण 1 और ऋण का ऋण और A1 का मान है 1, तो यहाँ पे ऋण 1 ऋण 1 ऋण 2 हमें प्राप्त होगा। तो A2 A2 ऋण A1 का मान हमने ऋण 2 ज्ञात किया। उसी तरह से हम A3 ऋण A2 में अंतर ज्ञात करेंगे। तो A3 का मान है ऋण 3 और ऋण का ऋण और A2 का मान है ऋण 1, जिसे हम कोष्टक में लिखेंगे। और जब हम कोष्टक को खोलेंगे तो ये ऋण 3 धन 1 बराबर पुनः हमें ऋण 2 प्राप्त होता है। उसी तरह से हम A4 चौथा पद में से A3 को घटाएंगे तो हमारे पास चौथा पद जो है A4 जो है चौथा पद है ऋण 5 और ऋण A3 जो है वो ऋण 3 है, जिसे कोष्टक में लिखेंगे बराबर ऋण 5। कोष्टक को खोलेंगे तो धन 3 बराबर ऋण 3। तो यहाँ सर्वांतर सभी में ऋण 2 है ना, चूंकि प्रत्येक बार AK+1 ऋण AK का मान हमें ऋण 2 प्राप्त हुआ है जो कि समान है, जहाँ K जो है 1, 2, 3 है, इसीलिए दी गई संख्याओं की श्रृंखला एक समांतर श्रेणी है जिसका सर्वांतर D बराबर ऋण 2 है। इस श्रेणी के अगले जो दो पद है, अगले दो पद के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो चौथा पद है ऋण 5 और हमारा जो सर्वांतर है वह है ऋण 2, इसका योग करके हम अगला पद निकालेंगे। तो ऋण 5 धन ऋण 2 बराबर ऋण 7 होता है, और उसी तरह से हम
उसका अगला पद ज्ञात, श्रेणी का अगला पद ज्ञात करने के लिए ऋण सात में पुनः हम क्या करेंगे, ऋण दो का योग करेंगे, तो हमें ऋण सात धन ऋण दो बराबर ऋण नौ प्राप्त होगा। तो इस तरह से इसके अगले दो पद होंगे ऋण सात और ऋण नौ। यह इस उदाहरण का हल है। उदाहरण तीसरे का चौथा, हमारे पास श्रेणी दी गई है 0.2, 0.22, 0.222 और इसी तरह से अगला जो है पद 0.2222, ये अनंत तक है। इस श्रेणी में हमें ज्ञात करना है कि कौन सी श्रेणी समांतर है, दी गई श्रेणी क्या समांतर है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हम दी गई श्रेणी में पहला जो पद है ए एक बराबर 0.2, उसी तरह से ए दो बराबर है दूसरा पद है 0.22 और ए तीन तीसरा पद है 0.222 और उसी तरह से चौथा पद ए चार बराबर 0.2222। अब हम ज्ञात करेंगे पहले दो पदों का अंतर, ए दो ऋण ए एक, ए दो यहाँ पे दूसरा पद है और ए एक पहला पद है। तो हमारा पहला पद दूसरा पद जो है 0.22 ऋण पहला पद है 0.2, इसको घटाने पर हमें प्राप्त होगा 0.002। उसी तरह से तीसरे पद ए तीन में से दूसरे पद ए दो को घटाएंगे तो तीसरा पद ए थ्री जो है 0.222 में से ए दो का मान जो है 0.22 को घटाएंगे, जिससे हमें प्राप्त होगा ए दो ए तीन ऋण ए दो का मान 0.002। चूंकि ए थ्री ऋण ए दो का मान बराबर नहीं है ए दो ऋण ए एक के, क्योंकि यहाँ ए दो ऋण ए एक का मान 0.002 है और ए तीन ऋण ए दो का मान 0.002 है जो कि बराबर नहीं है। इसीलिए दी गई संख्याओं की श्रृंखला एक समांतर श्रेणी नहीं है। यह इस उदाहरण का हल है।